Hello, everyone. Welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also, like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello, everyone. I am Divya Kansara. So, welcome you all in the English class. सो इन लास्ट क्लास वी कम्प्लीट द यूनिट सेकेंड पोइम टू डे वी विल डू द यूनिट सेकेंड चैप्टर यूनिट सेकेंड का आज हम क्या कर रहे हैं चैप्टर कर रहे हैं ठीक है चैप्टर नेम इज़ द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू ओके क्या है चैप्टर का चैप्टर का नेम क्या है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू ओके नाउ लेट वी सी द समरी ऑफ द चैप्टर सबसे पहले हम समरी क्या है चैप्टर की स्टोरी ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो आपका स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है सो आज एक और हम एक न्यू स्टोरी सीखेंगे ठीक है सो नाउ लेट वी सी द समरी ऑफ़ द स्टोरी नाउ दिस स्टोरी इज़ अबाउट थ्री फ्रेंड्स इसके अंदर थ्री फ्रेंड्स हैं कितने फ्रेंड्स हैं देर आर थ्री फ्रेंड्स तीन दोस्त है इस कहानी के अंदर ओके okay, कौन कौन है वो अब देखते हैं द बबल बबल क्या होता है स्टूडेंट बबल क्या होता है जैसे हम नाते हैं जब बात हम करते हैं तब क्या यूज़ करते हैं सोप एंड वाटर साबुन और पानी हम लेते हैं फिर उसको जब हम करते हैं रब तो उसे बबल्स में बनते हैं और जो लिक्विड वाटर होता है फिर हम स्ट्रॉ लिक्विड वाटर में हम स्ट्रॉ डिप करते हैं फिर उसको पीछे से हल्के से फूक मारते तो उससे बबल्स बनते हैं ओके तो वही बल, बबल है यहाँ पे भी बबल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं बुल बुलबुला बुल, ठीक है नाव the... द स्ट्रॉ स्ट्रॉ क्या होती है नली स्ट्रॉ को हम हिंदी में बोलते हैं नली ठीक है नली कौन सी जब हम जू, जूस पीते हैं ना तो उसके अंदर जो हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं वही आप, यहाँ पे यहाँ पर भी वही स्ट्रॉ है ठीक है जैसे आप आ, शेक पीने जाते हैं बार या आप कोकोनट कोकोनट वाटर पीते हैं जब नारियल पानी हम पीते हैं तो उसमें हम जो स्ट्रॉ डालते हैं वही यहाँ पे भी वो स्ट्रॉ है एंड द शू व्हेन यू ऑल कम टू स्कूल यू ऑलवेज़ वेयर योर शूज़ जब आप स्कूल आते तो रोज़ शूज़ पहनते हो ओके सो वही यहाँ पे शू है जूता ठीक है तो थ्री फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शूकेर वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट एक दिन वो कहीं पे घूमने के लिए गए फिर उन्होंने घूमने के लिए गए फिर वो पास हो रहे थे वहां से गुजर रहे थे फॉरेस्ट फ़ॉरेस्ट क्या होता है जंगल उसके वहाँ से वो निकल रहे थे दे कम नियर नियर क्या होता है पास में दे कम नियर टू अ रिवर वो फिर फॉरेस्ट को जैसे जंगल को पार कर रहे थे फिर वो एक नदी के किनारे पहुँचे एंड दे डिन नॉट नो हाउ टू क्रॉस और उन लोगों को पता ही ना पता भी नहीं था कि वो क्रॉस कैसे करे क्योंकि वहाँ पर कोई ब्रिज भी नहीं था और ना ही कोई बोट थी ताकि वो उस रिवर को क्रॉस कर सके और उनको पता उनको पता भी नहीं था कि वो क्रॉस कैसे करे दैन फाइनली बाद में दे डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर फिर उन्होंने डिसाइड किया अभी रिवर को तो हमें क्रॉस करना है रिवर को हम नदी को हमें पार करना ही है विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ किस की हेल्प के साथ वो पार करने वाले हैं नदी को स्ट्रॉ की हेल्प से वो नदी को पार करने वाले हैं स्ट्रॉ की मदद से पार करने वाले हैं द स्ट्रॉ स्ट्रेच स्ट्रेच्ड होता है लम्बा करना उसने अपने आपको स्ट्रेच किया खींचा उसने अपने आपको इट्स सेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक क्या होता है नद, इस नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए उसने अपने आप को स्ट्रेच किया ऐसे ठीक है द शू ट्राइड ट्राइड मीन्स कोशिश की उसने टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट फिर शू ने कहा कि सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा रिवर क्रॉस करने के लिए द शू लैंडिड ऑन द स्ट्रॉ एंड ब्रोकेट फिर शू जो है एकदम से जोर से उसके ऊपर स्ट्रॉ के ऊपर वो लैंड लैंड हुआ वो जोर से कूदा तो वहाँ पे क्या हुआ जो स्ट्रा थी वो टूट गई क्या हो गई टूट गई द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट इन ए बिग ग्राउंड फिर साइड में बबल खड़ा था उसने ये चीज़ देखी और फिर वो जोर जोर से हंसने लग गया कि अरे ये दोनों तो नदी में गिर गए ओके नाउ लेट एस स्टार्ट द स्टोरी नाव ओके द बबल बुलबुला द स्ट्रॉ नली एंड द शू जूता ठीक है इसकी आज स्टोरी है वो अब देखते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी द पिक्चर पिक्चर को देखिए सब जी ने यहाँ पे दिख रहा है ये कौन है बबल ये कौन है बबल दिस वन इज स्ट्रॉ एंड दिस वन इज शू ओके नाउ वंस अपॉन ई टाइम देयर लिव्ड ए बबल स्ट्रॉ एंड ए शू एक समय की बात है बबल स्ट्रॉ और शू जो है वो साथ में रहते थे बबल मैम ने आपको बताया था जो हम लिक्विड वाटर को यू यूज करके डिप करके स्ट्रॉ के हाथ से फिर वो बबल्स बनते वो और जो बबल होता है बच्चों वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता आपको पता होगा अगर हम जब हम बबल्स बनाते हैं फिर वो जल्दी से क्या हो जाता है फूट जाते हैं है ना सो द ए बबल ए स्ट्रॉ स्ट्रॉ क्या होती है नली एंड ए शू जूता वन डे वू द फॉरेस्ट वो कहाँ गए एक दिन फॉरेस्ट फॉरेस्ट को हम कहाँ क्या कहते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं और जंगल जे यू एन जी एल ई जंगल एक दिन वो कहाँ गए फॉरेस्ट में गए ठीक है वो कहाँ गए सब जने मिल के फॉरेस्ट में गए वन डे दे इन टू द फॉरेस्ट एक दिन वो तीनों जने कहाँ पे गए थे जंगल गए थे ओके जंगल जंगल में कौन रहता है यस लॉयन टाइगर एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स लिव इन ए जंगल ओके सो एक दिन वो तीनों जो फ्रेंड्स थे बबल स्ट्रॉ एंड शू वो एक दिन कहाँ गए जंगल में गए जैसे आप पीछे में देख रहे हो उनके आसपास क्या है जंगल है ओके okay. फिर आगे क्या हुआ दे केम टू ए रिवर फिर वो जंगल के अंदर चल रहे थे चल रहे थे चल रहे थे फिर उनको वहाँ पे एक रिवर दिखे रिवर क्या होती है नदी देखो पिक्चर में फिर वो चलते चलते आए फिर उनको एक रिवर मिली नदी मिली दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस उनको पता ही नहीं है कि वो रिवर को कैसे क्रॉस करें अब बच्चों यहाँ देखो यहाँ पे रिवर हम लोग कैसे क्रॉस करते हैं जब ब्रिज होता है उधर तब हम क्रॉस कर सकते हैं या कोई बोट हो उसकी हेल से हम एक जगह से उस इस जगह से उधर जा सकते हैं बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है फिर वो सोचने लगे कि हम कैसे क्रॉस करें हाउ टू क्रॉस क्रॉस होता है गो थ्रू जी ओ गो टी एच आर ओ यू जी एच गो थ्रू ठीक है द शू सैड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू फिर शू ने क्या बोला के फ्लोट क्या होता है सबसे पहले फ्लोट सुनते हैं फ्लोट होता है स्विम एस डब्ल्यू आई एम स्विम आप सबको पता है बबल क्या रहता है पानी के ऊपर वो पानी के ऊपर रहता है बबल तो द शू ने बोला क्या बोला शू ने बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू फिर उसने बोला कि बबल तुम पानी के अंदर जाओ और फिर तुम्हारे ऊपर हम फ्लोट करके स्विम करके हम इस पास से उस च, उस जगह दूसरी तरफ चले जाएंगे देन शू ने बोला नो शू लेट स्ट्रा स्ट्रेच फिर शू ने क्या जो बबल था उसने क्या बोला नो शू मैं नहीं करूँगा जो बबल था उसने मना कर दिया कि मैं फ़्लोट नहीं करूँगा पानी के अंदर उसे साफ साफ मना कर दिया लेट स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर फिर उसने बबल ने बोला कि स्ट्रॉ को बोलते हैं स्ट्रेच करने के लिए स्ट्रेच क्या होता है वॉट डू मीन बाय स्ट्रेच सो स्टूडेंट्स और यू सी द रबर बैंड सो दिस इज अ स्मॉल इन साइज नाउ आई एम स्ट्रेचिंग इट अब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ ये एक्सटेंड हो गया इसको रबड़ बैंड को हमने स्ट्रेच किया क्या किया स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने तो से क्या हो गया ये एक्सटेंड हो गया एकदम लॉन्ग एकदम लॉन्ग हो गया तो वैसे ही जो स्ट्रॉ थी उसने अपने आप को स्ट्रेच किया हिमसेल्फ़ फ्रॉम वन बैंक वन बैंक क्या होता है एक तरफ नदी के इस तरफ से दूसरी तरफ दिस इज कॉल्ड द वन बैंक एंड द अदर जो वन बैंक आ रहा है नदी के इस तरफ देन अदर देन वी कम क्रॉस द रिवर फिर बर्बल ने एक आइडिया भी दिया कि जो स्ट्रॉ है उसको स्ट्रेच करने देते हैं एक एक न, इस पार से उस पार तक फिर हम उसके ऊपर चल के रिवर क्रॉस कर लेंगे ठीक है फिर क्या हुआ आगे सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड फिश जो स्ट्रो है उसने आपको एकदम स्ट्रेच किया ऐसे और वो एक जगह से जो नदी बह रही थी उसकी एक जगह उधर उसने स्ट्रेच स्ट्रेच किया यहाँ से नदी के उस पार तक फिर फ्रॉम वन बैंक टू अदर वैन द शू जम्प्ड जम्प्ड शू ने उसके ऊपर क्या किया जम्प वो कूद गया शू उसके ऊपर आप देख सकते हैं शू उसके ऊपर कूदा जम्प्ड होता है हॉबड सो जम्प्ड क्या होता है Hobbed. H O -P -E D Hobbed. So when the shoe jumped, उसने उस शू बदमाश बदमाशा उसको चल के जाना था उसने क्या किया उसने लेके स्ट्रॉक के ऊपर जंप किया फिर क्या हुआ इट ब्रोक फिर जो स्ट्रॉ थी वो कैसे हो गई इट ब्रोक स्ट्रॉ जो थी वो कैसे हो गई ब्रोक हो गई टूट गई स्ट्रॉ द शू फेल इन टू द वॉटर एंड ए लाउड स्प्लैश फिर जो शू था उस कूदा उसके ऊपर फिर वो स्ट्रॉ ब्रोक हो गई स्ट्रॉ एंड शूज दोनों का है अब पानी के अंदर फेल इन टू द वॉटर पानी के अंदर वो चले गए विथ ए लाउड स्प्लैश लाउड क्या होता है तेज आवाज लाउड क्या होता है बिग साउंड स्प्लैश क्या होता है बच्चों जब हम पानी के अंदर जैसे अगर आप टब या बकेट के अंदर पानी है फिर अगर आप उसके अंदर जोर से स्टोन ऐसे थ्रो करेंगे पानी के अंदर जब ऐसे स्टोन थ्रो करोगे फिर जो पानी होता है वो क्या होता है ऐसे उछल के बाहर आता है उछल के बाहर आता है उसको हम बोलते हैं स्प्लैश एस पी एल ए एस एच स्प्लैश जो शू था वो गिर गया पानी में भी गिर गया फिर विथ लॉ फिर बहुत तेज लाउड नॉइस आई और जो पानी एकदम से छपाक बाहर आ गया द बबल शुक एंड शुक स्टूडेंट स्ट्रेच का आप लिख देंगे मीनिंग एक्सटेंड ई एक्स टी ई एंड डी एक्सटेंड सो देन द बबल शुक एंड शुक विथ द लाफ्टर एंड ब्रश विथ ए बिग बैंग फिर जो बर्बल साइड में खड़ा था उस ये सब चीज होते हुए देखी और फिर वो क्या करने लगा शुक मींस हिलने लगा ऐसे ऐसे जो जो उससे हँसते हुए जो जो उसे हंसते हुए जो-जो उसे वो हंसते हंसते ऐसे हिलने लगा उसको इतनी तेज हँसी आ रही थी अपनी पूरी बॉडी से वो हिल रहा था फिर वो क्या हो गया ब्रस्ट विथ ए बिग बैंग ब्रस्ट कैसे जो बबल था फिर एकदम से वो ब्रस्ट हो गया क्या हो गया बस्ट और एकदम से बिग बैक साउंड आई जैसे अभी आपने देखा बलूम के कैसे साउंड एकदम बिग साउंड आई ना वैसे ही बबल भी जो जो, जो से हंसते हंसते पूरा हंस रहा था फिर एकदम से वो फूट गया ओके okay? देखो यहाँ पे देखो पिक्चर के अंदर वो हंसते हंसते बबल जो है फूट गया ओके सो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो स्टोरी जो थी वो एंड हो गई ओके okay? सो so, All you understand the story, okay? Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET. And multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.